चलिए फिर करते हैं एक नई वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ आशा फरसान, उत्तराखंड चमोली के सोलडुंगरी गांव से। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेटी बारी पहाड़ की में। और आज के नए ब्लॉग में, नए ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9 बजे से हो रही है और मैं दुकान जा रही हूँ। तो दुकान यहीं रोड में है हमारे घर के आगे। तो रंगों को लेने के लिए मैं दुकान जा रही हूँ। कल हमने होली जो है कि रंगों से नहीं खेली थी, खाली टीका लगाया था हमने, क्योंकि दर्शनी दीदी के घर से ताई जी की 13वीं से आने के बाद वहीं से हमने होली खेला था, तो रंग नहीं लेके आए थे। तो नहीं तो होली खेलने के बाद हमारे यहाँ पे बच्चों में और बड़ों में मिठाई भी बढ़ती है, तो सब आज से शुरू होगा। और यहाँ पे ना देखो गेहूँ और जौ की फसल ना देखते देखते कितनी बड़ी हो गई। आजकल गेहूँ जो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे फसल हो रखी है। और मौसम ना पूरा धुंध धुंध सा लगा हुआ है, आग लगी है शायद आसपास जंगलों में, इसलिए पूरा धुंध छाया हुआ है। यहाँ पे दुकान में मैं आ चुकी हूँ। ये है आशु खत्री भाई का लड़का। तो इनकी यहाँ पे रोड के किनारे पे, जस्ट रोड है रोड के किनारे पे दुकान है। तो मैं यहाँ पे आई हूँ रंग लेने के लिए और मिठाई लेने के लिए। तो आशु से पूछती हूँ क्या क्या रंग रखा तुमने। गुलाल हरा। हाँ दिखा दो। भाई ने नई बाइक खरीदी हुई है, तो बहुत बहुत बधाई हो छोटू भाई को। तो अभी अभी कुछ दिनों पहले ली है शायद। तो छोटू भाई की है अभी मार्केट जाने की तैयारी, तो ये कर रहे हैं अभी अपनी बाइक को साफ। आंसू खोल रहा है इस तरफ को रंग के पैकेट को, और पैकेट खोलने के बाद ये कच्ची से डाल रहे हैं पन्नी में। तो पन्नी में डाल के उसके बाद ये तोला जाएगा। तो ये खुला वाला रंग है, बाकी मैंने 2 पैकेट बंद वाले मतलब छोटे वाले पैकेट लिए हैं, और बाकी ये खुला वाला रंग गुलाबी कलर का मैं ले रही हूँ। सामान लेके घर आ चुकी हूँ और अब मैं करूँगी सिलाई। तो आगे के ब्लॉगिंग में मिलती हूँ मैं आपको दिन में, क्योंकि दिन में हमने फिर होली खेलने के लिए जाना है अपने गांव के पांडव चौक में। तो अभी मैं सिलाई करती हूँ, यहाँ पे सिलाई शुरू करती हूँ और कटिंग मैंने करके रखी हुई है। चलिए जी अब चलते हैं पांडव चौक की तरफ होली खेलने के लिए। और अभी ना टाइम भी 3:30 का हो चुका है और इस रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ से सुनीता दीदी भी जा रही है, ये देखो घुड़ती ने जा रही है। सुनीता दीदी हम भी पड़ी जी लेकिन हम बॉटो नकरो से छ। तो सुनीता दीदी मोरे बार जाना हम होली खेलोनी पानुख। तो अभी भाई मैं यहाँ पे सुनीता दीदी और कमला भाभी लोगों के घर में आई हूँ। और यहाँ पे भाभी जी ना ये मडुआ खान रही है, तो इस तरह से खानते हैं मडुआ। तो ये देखिए, तो इसको खाने के बाद उसके बाद पीसेंगे आटा। और बुआ जी यहाँ पे ये मंडुए के भूस को साफ कर रही है, देखो। और उस तरफ को गाय भैंस बधे हुए हैं, इस तरह से बिना पंखे का ये साफ हो जाता है, क्योंकि अभी ना हवा चल रही है। तो ये रहा जी मडुआ, देखो ये इतना साफ हो गया। तो इसके बाद इसको, इसका मतलब आटा बनेगा चक्की में पीस के। तो ये रही भाई, सुनीता जी भी तैयार हो चुकी है और कमला भाभी तैयार हो रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं पांडव चौक में, क्योंकि वहाँ पे हमने दरी वगैरह बिछानी है। ये हमारी छोटी सी गुनू है, बैग लेके आ रही है। इसके बैग में हमारी डेरिया है, भजन की डेरिया। बिना भी छिंदारे वाले भी आ चुके हैं, और ये दर्शनी दीदी और सुनीता दीदी ये देखो दरी लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे सुनीता दीदी दरी बिछा रही है। तो दर्शनी दीदी लोग इस बार होली नहीं खेलते, तो हमें भी बहुत दर्शनी दीदी चली गई है दरी देने के बाद, क्योंकि वो हमारे ग्रुप की अध्यक्ष है। तो यहाँ पे अब दरी बिछाई जा रही है। ये बच्चे ना इतना छोड़ करते हैं कि पूछो मत।
तो सारे लोग अब बैठ चुके हैं, अब है होली गाने की तैयारी। होली के गीतों के द्वारा यहाँ पे होली का शुभारंभ किया जाएगा। Thank you.
पंचदेव उनके नाम का सबसे पहले रखा जाता है। तो रीना दीदी खोलिए यहाँ पे। तो रीना दीदी बांट रही है मिठाई, तो मिठाई में है भाई गट्टा और मिश्री।